आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्टू वैक में। और गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नरेगा का पैसा काफ़ी समय से गाइस आ नहीं रहा है, तो इसका क्या कारण है गाइस, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए गाइस, मनरेगा का पैसा ना आने के जो वो एक दो मेन कारण रहते हैं गाइस, जिसमें कि स्टेट के पास जो नरेगा का अकाउंट होता है गाइस, उसमें पैसा ना होना। जैसे देख सकते हैं गाइस, मैं यहाँ पर मैंने एमपी का जो है वो नरेगा का अकाउंट देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखेंगे कि एमपी में जो अकाउंट है गाइस नरेगा का, उसमें आप देख सकते हैं डेबिटेड अमाउंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग 60 करोड़ के आसपास राशि आई, 1 करोड़ रिफंड करीब हुआ और लगभग 61 करोड़ की जो है वो यहाँ पर डेबिट अकाउंट से गाइस हुए हैं, यानी कि 61 करोड़ रुपये डेबिट हो गए हैं गाइस। क्रेडिट होने के बाद काफ़ी सारी अमाउंट इसमें डेबिट की गई है, यानी कि अलग अलग मदों में ये खर्च हुआ है गाइस। और अभी यहाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस मात्र इतना है गाइस, माइनस में चल रहा है। यानी कि अभी क्या है गाइस कि स्टेट में यहाँ पर 2 अकाउंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी जो है वो अमाउंट अभी नहीं है गाइस। यानी कि जो दोनों अकाउंट है गाइस, यहाँ पर डेबिट अकाउंट भी और इस डेबिट अकाउंट में, दोनों में गाइस नरेगा में पैसे नहीं है गाइस। इस वजह से नरेगा के जो मजदूरी है गाइस, उसका भुगतान जो है वो नहीं हो रहा है। यानी कि इसमें फंड रिलेटेड प्रॉब्लम है। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो नरेगा का फंड रिलीज़ किया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ इसमें फंड रिलीज़ करती है गाइस, ये दोनों के सहयोग से चलती है मनरेगा योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, तो जब भी फंड इसमें रिलीज होगा गाइस तो यहाँ पर बैलेंस दिखाने लगेगा और उसके बाद जो मजदूरी का भुगतान है गाइस वो होने लगेगा और अलग अलग मत का भी भुगतान होने लगेगा, क्योंकि अभी स्टेट में नरेगा का पैसा गाइस नहीं है। फंड ना होने के कारण पेमेंट जो है वो बाधित है। जब भी फंड आएगा गाइस, पेमेंट का कार्य जो है वो तेज़ी से चलने लगेगा। तो ये एक छोटी सी डिटेल थी गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।